जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से वैकेंसीज निकल के आ रही है। ऑल इंडिया ओवर की 553 पोस्ट देखने को मिले, जो कि CAPF वैकेंसीज देखने को मिल रही है, जिसमें आप देखेंगे कई तरह की पोस्ट देखने को मिलती है। अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिल जाती है। देखेंगे आपकी जो वैकेंसीज है, जिसमें BSC की पोस्ट मिल रही है, CRP की पोस्ट मिल रही है, SSB की पोस्ट मिल रही है, ITB की पोस्ट मिली है, आसाम राइफल की पोस्ट मिली है, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग वैकेंसीज देखने को मिली। यहाँ पर 201 वैकेंसी देखने को मिल रही है। नीचे आप आएंगे 345 पोस्ट देखने को मिल रही है, और भी नीचे आएंगे आपको 2 पोस्ट देखने को मिल रही है, और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 5 पोस्ट देखने को मिलता है। तो आपकी वैकेंसी यानी कुल मिला के आप सभी लोगों के 553 पोस्ट देखने को मिल रही है। चलिए इसके बारे में अच्छे तरीके से बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो जो वैकेंसी आप देख रहे हैं, आपका मेडिकल ऑफिसर सिलेक्शन बोर्ड CAPF 2021, जिसमें आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, डायरेक्टर जनरल इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, यानी कि ITBP के थ्रू ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। जिसे एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देख सकते हैं, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन मेल एंड फीमेल, यानी कि आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप ए की वैकेंसी है, जिसमें आप सभी लोगों को सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी देखने को मिल जाती है। वहीं पर हम मिलता है आप सभी लोगों को स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर डिप्टी कमांडेंट की पोस्ट देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट देखने को मिल जाती है। वहीं पर हम बात करें डेंटल सर्जन की पोस्ट देखने को मिल जाती है आप सभी लोगों को। जो फॉर्म भरने रहेंगे, आप सभी लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने, यानी कि जो फॉर्म आप लोगों का भरा जाएगा वो आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन अप्लीकेशन मोड विल बी ओपन 13/9/2021, यानी 13 सितंबर 2021 से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड क्लोजिंग डेट आप लोगों को 27/10/2021 रहने, यानी 27 अक्टूबर 2021 तक आपको फॉर्म भरने रहेंगे। वैकेंसीज की बात करें तो आप देख सकते हैं अलग डिपार्टमेंट अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिल जाती है। कुल मिला के 553 पोस्ट देखने को मिलती है। अब बात करें आप सभी लोग उसमें हाइट की, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 157.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, आप फीमेल हैं तो 142 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। 2 सेंटीमीटर का आपको छूट मिल जाती है, जो कि गोरखा हैं, गढ़वाली हैं, कुमाऊनी हैं, डोगरा हैं, मराठा हैं, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुरी, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख, जो रीजन से आते हैं उनको 2 सेंटीमीटर की आपको छूट मिल जाती है। वहीं पर आप इन रीजनों से आते हैं, आप ST कास्ट के, तो आपको 3 सेंटीमीटर की आपकी छूट मिल जाती है। बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट आपका मिनिमम 77 और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना जरूरी, यानी 77 से 82 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। महिलाओं के लिए नॉट अप्लीकेबल, इसमें हाइट उनकी चेस्ट नहीं देखा जाता है। अब बात करें आप सभी लोगों के वैकेंसीज विवरण का, यानी सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर सेकंड इन कमांडर की जो वैकेंसीज है, इसमें केवल ITBP की वैकेंसी, जिसमें जनरल के लिए 4 पोस्ट है और OBC के लिए 1 पोस्ट है, यानी कुल मिला के 5 पोस्ट देखने को मिल रही है। वहीं पर हम बात करें यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर डिप्टी कमांडेंट की, तो यहाँ पर आपको कुल टोटल पोस्ट मिल रही है 201 है, जिसमें आपकी BSF में 52 पोस्ट है, CRP में 116 पोस्ट है, SSB में 18 पोस्ट है, ITBP में 11 पोस्ट है, आसाम राइफल में 4 पोस्ट है, कुल मिला के 201 वैकेंसीज देखने को मिल जाती है। वहीं पर हम बात करें नीचे हैं मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट की, तो यहाँ पर 345 पोस्ट देखने को मिल जाती है, जिसमें आपकी BSF की 85 पोस्ट है, CRPF में 77 पोस्ट है, SSB में 51 पोस्ट है, ITBP में 101 है, आसाम राइफल में 31 पोस्ट देखने को मिल जाती है। वहीं पर हम बात करें यहाँ पर डेंटल सर्जन की, तो यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है वो आप सभी लोगों को 2 ही पोस्ट है, जिसमें CRPF जनरल की 1 पोस्ट है, वहीं पर आसाम राइफल जनरल में 1 पोस्ट देखने को मिल जाती है। यदि इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अदर कैटेगरी से हैं, ST OBC से हैं, तब भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस क्या होगा, जनरल में ही फॉर्म भरने रहेंगे। ये आपका पूरा विवरण 553 पोस्ट देखने को मिल जाती है। चलिए हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अब बात करते हैं आप सबने क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर सेकंड इन कमांडेंट की, तो यहाँ पर 1 ग्रेजुएट डिग्री एंड ग्रेजुएशन होना चाहिए और MBBS का आपके पास डिग्री डिप्लोमा यानी आपके पास सर्टिफिकेट MBBS के हैं, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या इसके इक्वेलेंट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर हम बात करें यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट की, तो आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है। वहीं पर बात करें यहाँ पर और भी नीचे से मेडिकल ऑफिसर की, तो भी आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वहीं पर हम बात करें डेंटल सर्जन की, तो भी आपके यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है आपकी स्वास्थ्य विभाग से हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्य कोई अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि आप MBBS डॉक्टर हैं, पहले से कार्यरत हैं, यानी कि आपके पास डिग्री है, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर मिल जाती है। यानी एज लिमिट यानी कि 50 वर्ष तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
और जो भी आपका सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर हो तो भी 50 वर्ष का है, सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर डिप्टी कमांडर 40 वर्ष का रखा गया है, मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट कमांडर 30 वर्ष रखा गया है, वहीं पर डेंटल सर्जन की जो पोस्ट रखी उसका जो एज लिमिट है 35 वर्ष रखी गई है, वहीं पर आपको एज में छूट मिल जाती है, 5 साल 3 साल का छूट आपको देखने को मिल जाती है। तो ये सारा प्रोसेस था आप सभी लोगों का, और सिलेक्शन ऑफ मोड जो आपको क्या रहने वाला मोड ऑफ सिलेक्शन, इसमें सबसे पहले आप सभी लोगों का आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा, इसमें रिटन एग्जाम नहीं होने वाला, बस आप लोगों का इंटरव्यू होने वाला 200 नंबर का, इसमें आप लोगों का इंटरव्यू करवाया जाएगा। यहीं पर दिया गया है मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन का यहाँ पर आपका मेडिकल होने वाला है, फिट अनफिट क्या होते हैं, फिट होते हैं तो आपको वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, अनफिट होते हैं आपका अनफिट आप हो जाते हैं, बाहर कर दिए जाएंगे। तो आपका यही चीज़ें हैं, यानी कि आपको कुछ करना नहीं, एग्जाम नहीं देना है, आपका इंटरव्यू सीधा होगा, इंटरव्यू में आप सिलेक्शन लेते हैं, 200 नंबर का होगा, उसमें आपका अच्छा नंबर आता है, आपका मेडिकल आप मेडिकल देने जाते हैं, मेडिकल फिट होते हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपकी वैकेंसीज थी, ये आपके स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी थी, लेकिन अलग अलग पोस्ट में अलग अलग वैकेंसी, यानी 553 पोस्ट देखने को मिल रही है। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन था आप उस फॉर्म को जरूर अप्लाई करेगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।